स्टार। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। मेरा नाम है जानसे और मेरा नाम है बालाय। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहो यार, एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो जल्दी भी काफी इंटरेस्टिंग होने लगी, क्या ख्याल है? मतलब मैं कहने का मतलब, इंडिया इतना बड़ा दावा कर दिया है, इंडिया ने बाकी बहुत बड़ा दावा किया है कि यार इंडिया की न्यूज में ये चल रहा है, इंडिया की न्यूज ने आखिरकार ऐसा क्या कहा है जो नेपाल को बुरा लग गया है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट पहाड़ी के ऊपर मतलब नेम्स के ऊपर और मतलब इंडियन का दावा है कि वहां सबसे पहले इंडियन के मतलब लोग इंडियन के वो गया था और अंग्रेजों ने मतलब इस चीज को करके अपना नाम ये इंडिया के न्यूज़ पे कल तो देखते फुल वीडियो तो देखेंगे आपके क्या यार। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा कंप्लीट वीडियो, इसमें बड़ी ही इंफॉर्मेशन भी वीडियो बिल्कुल वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कौन ठीक है कौन गलत है, ये क्या वजह हुई है, ये सब वजह जो है वीडियो के बाद पता चलेगी। तो वक्त है कि भैया अपने वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। आज हम सबसे पहले आपके साथ एक ऐसा बहुत ही खास अनुभव शेयर करना चाहते हैं जो हिमालय की तरह विशाल है, विराट है, खूबसूरत है और आध्यात्मिक है। और इस अनुभव का महत्व समझाने के लिए हम आपको माउंट एवरेस्ट के एक ऐसे सफर पर अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं जो आपके मन में हिमालय जैसी ऊंचाइयों का भाव है। माउंट एवरेस्ट घूमेंगे हम आज आपके लिए, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से माउंट सिकंदर का विचार लेकर आए हैं। और इस विचार से भारत का कौन सा विश्वास जुड़ा है वो भी आज ये चीज खास है ना। लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं खुद, मैं के टू देखा है लेकिन माउंट एवरेस्ट इतने वो ध्यान से नहीं देखा। बिल्कुल वो टॉप पे है ना, वो एरो का निशान दे रहे हैं। सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं भी माउंट एवरेस्ट को इतना करीब से देखता हूँ। राधानाथ सिकंदर से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। अच्छा। राधानाथ सिकंदर भारत के महान गणितज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1852 में पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई को मापा था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें इसका श्रेय कभी नहीं दिया और इस अंग्रेज यार हर चीज नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया, जिन्होंने ना तो कभी माउंट एवरेस्ट को देखा था और ना ही वो कभी माउंट एवरेस्ट तक गए। माउंट एवरेस्ट पढ़ने से पहले इसे पीक 15 कहा जाता था। अच्छा। और आज हम उसी पीक 15 के दर्शन आपको कराने वाले हैं, इसलिए आज हम ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकंदर रख दिया जाए। हम माउंट सिकंदर के विचार के साथ आज आपको हिमालय के उस स्वभाव के बारे में भी बताएंगे जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है, हमारे संस्कारों में मिलता है। और कहते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि और मुनि हिमालय में हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाते रहे हैं। ये हिमालय की खूबी है। अच्छा। कि यहाँ से ज्ञान और गंगा दोनों की धारा बहती है और माउंट एवरेस्ट हिमालय का गौरव है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है। हम सब अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं और आप कह सकते हैं कि हमारी इच्छाओं और सपनों का एक माउंट एवरेस्ट हमेशा हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जीवित रहता है। बिल्कुल यार। असल में माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत चोटी नहीं है, ये उससे भी विराट और उससे भी महान है जिसका महत्व इसकी ऊंचाई में छिपा है। इसलिए आज हम आपको डीएनए में माउंट एवरेस्ट का यही विशाल, विराट, अनंत और खूबसूरत रूप दिखाना चाहते हैं। और आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको राष्ट्रवादी भावना का एक अनुभव भी कराएगी, इसलिए आज हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखिए। दो ही बैठे में विश्लेषण शुरू होता है काठमांडू से। ये सफर आज जिस पर आप हमारे साथ जा रहे हैं ये काठमांडू से माउंट एवरेस्ट तक का सफर है, इसमें आप हमारे साथ रहिए, आपको ऐसा लगेगा हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ इसी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ दीजिए और हमारे साथ माउंट एवरेस्ट की तरफ चलिए। इमेजिन करें आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं, बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह, अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए और ये हेलीकॉप्टर है जिसमें हम जाएंगे। पूरी तैयारी हमने कर ली है, मोटी जैकेट ले ली है और बताया ऐसा गया है कि वहाँ पर -10 के आसपास, -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। हमारे कैप्टन ने जो हमें वहाँ पर ले जाएंगे वो आपको बताएंगे
कि माउंट एवरेस्ट पर जाना और ये सफर की जर्नी है जब आप हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग करते हो इस तरह के हेलीकॉप्टर में, तो वजन जो वेट रेशियो होता है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. इसलिए बहुत कम वजन, और इसीलिए ये बता रहे हैं कि आगे जाके ये अपना जो फ्यूल है उसको भी डंप करेंगे. उसके बारे में बताइए आप. व्हाट हैपेंस इज हायर यू गो द परफॉर्मेंस ऑफ द हेलीकॉप्टर डिक्रीजेस. So at sea level, this helicopter can carry more than 1200 kilos if you sling it. But over at base camp, my load will be actually around 270. So there's a vast difference. And other factor here is, since we are going towards altitude, you might have problem breathing. जितनी ऊंचाई पे जाना उतनी मुश्किल है, तो सामना करना पड़ेगा ना. Okay. Because you are not used to that. So that's why if you have any problems, just tap me at the back, and we have extra oxygen for you. You can use that. Then you'll feel good. And water, drink plenty of them. It might be a little cold, and that will help you a lot. Right. Those are the main things. तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भारतीय हैं, एक बार जरूर आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहिए और माउंट एवरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे उसके आपको एक जो एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आएगी, वो उसका एक अलग ही मजा होगा जब आप वहां पर पहुंचे. तो भी नहीं गए यार, आप तो जहाज पे आ गए ना माउंट एवरेस्ट, और जहाज आया नहीं, हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं. तो आपको और बहुत अच्छी तस्वीरें वहां से हम दिखाएंगे. मेरा बाइक यहां जाता नहीं है. हर भारतीय ओके, वी हैव टू गो फ्रॉम देयर. वो किस तरह से जाए, बिल्कुल ऐसे जाना तो मौत के बराबर. और कैन आई सिट हियर? ओह रियली? So I'll get the best view. जो देगा वो उसमें भी मतलब बता रहा है कि इतनी ऊंचाई पे जाने के लिए मतलब एक तो पहाड़ पे वैसे चढ़ना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर में जाने में मसले मसाले हैं. यहाँ से अच्छा व्यू मेरे ख्याल से और कोई मिल नहीं सकता. पेट्रोल को भी डंप करेंगे वहाँ जाके पेट लॉस करने के लिए. माउंट एवरेस्ट का बहुत ही शानदार व्यू अब से थोड़ी देर के बाद आपको मिलने वाला है. साथ रहिए हमारे, इसको मत कीजिएगा, एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ. कैसे कहते हैं इंडिया मीडिया अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लीजिए, हम जहाज में बैठने लगे, हम आपके साथ हैं. भैया पिछली सीट भी मुझे बिठा लेते यार. दो सफर शुरू हो गया. आगे शो आपको गाना लगा देते हैं. जाते 20-30 साल पहले लोग मतलब कैसे जाते हो, और वो जो इनका दावा है कि हमारे तो बस जी वहाँ जाते थे मतलब जो भी करने होगा या नहीं यार. और मेन चीज़ तो उसको क्रेडिट जाता है. बिल्कुल, जो बंदा पहले जिस चीज़ को पार कर ले उसका नाम होता है. हाँ उसी का नाम होना चाहिए. बिल्कुल, तो आप अपने साथ लेकिन अभी तक मुझे बात समझ नहीं आ रही नेपाल के लोगों को ये बात. हाँ ये नेपाल के लोगों को क्यों, कोई हिस्ट्री होगी सही कुछ होगा कि नेपाल के लोग भी बड़े मतलब अच्छे और मीठे लहजे के लोग. बिल्कुल यार, मैंने उनके साथ वर्क किया. नेपाल के लोग स्वीट इंडियन के साथ भी वर्क किया और नेपाल के साथ बहुत अच्छा अपना टाइम गुजरा. ये माउंट एवरेस्ट आई थिंक कोई नेम के ऊपर इशू होगा. लक ऐसे ही कुछ रहा है
बर्फ बर्फ पड़ी हुई यहाँ। ये हैंड फ्री तब लगाते हैं हेली पर जब बैठे तो वैसे ही इतनी आवाज आती है बिल्कुल अंदर बैठे ही। आप बैठे हो ना इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आगे उसमें भी आती है दूसरी तरह। हेलीकॉप्टर है ना मैं जहाज समझ रहा था लैंडिंग करने में होते हैं यहाँ के लोका एयरपोर्ट कोई था हेलीकॉप्टर ट्रैक लैंडिंग करते हैं। कुछ हद तक मेरी बात सही निकली लैंडिंग करने में ने कर लिया ना बस इतना सा सफर था हेलीकॉप्टर पे था। अच्छा आई थिंक बाकी जो है जो बता रहे थे यहाँ से दोबारा फ्यूल करना पड़ेगा डम करेंगे उसके बाद फिर आगे। दोबारा स्टार्ट हो गया चैनल वाले ने भी चुले छुले खा लिए फर्स्ट टाइम देखा हूँ इतना डिटेल में है कि पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में खाली सुना करते थे और चंद झलकियाँ भी देखा करते थे शॉर्ट पीस में। हमारे पायलट बता रहे हैं अभी आप पीछे देख रहे हैं छोटा सा जो ट्रैक है ये वो ट्रैक है जब माउंट एवरेस्ट के लिए आप ट्रैक शुरू करते हैं आप जाते हैं और ये 10 से 12 दिन का ट्रैक है और यहाँ से माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई की जो असली ट्रैकिंग होती है जर्नी वो यहाँ से शुरू होती है इस जगह से दिल्ली का जोन काफ़ी है यार मतलब 3D में ये देखे ना यार मज़ा आ जाएगा। सफर में ये चीज होती है ना ये चीज तो होती है ना कभी यहाँ कभी स्किप मत करना स्किप साथ रहे हमारे बस पहुंचने वाले हैं थकना नहीं है आपसे। अब हम एवरेस्ट के बहुत करीब पहुंच गए ये दूसरी दफा बोल रहे हैं पहुंचे मेरी आवाज आ रही है लेकिन एवरेस्ट के हम करीब पहुंच गए और एवरेस्ट के हम पीछे से एक अप्रोच तो ये है कि हम सामने से जाएं और एक है कि हम पीछे से होते हुए और एवरेस्ट के पीछे से फिर सामने निकलकर आएंगे। तो ये जो जिस पहाड़ से हम जा रहे हैं ये एवरेस्ट और हम घूम कर एवरेस्ट की तरफ जाएंगे। अभी पैदल जाते हैं अच्छा हमने देखा रिकॉर्ड बनाते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हिम्मत है यार उन लोगों की
वाली चोटियाँ हैं सब 8,000 के ऊपर हैं, और अब हम यहाँ से पहाड़ों के बीच में से होते हुए यहाँ से अब एवरेस्ट की तरफ जाएंगे। ये टॉप वाली आई थिंक सब मूवीज में नहीं देखते दिखाते हैं यार कितने हादसे होते हैं, कितने लोग जाते हैं और मतलब कितने रास्ते में मर जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही मुश्किल सफ़र होता है, कहीं बेचैन निकल जाती है, कहीं जो रोकते हैं ऊपर शूज का और बहुत मसले आते हैं, बहुत कुछ होता है यार। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मुश्किल है ना, मुश्किल है, हर इंसान के लिए नामुमकिन कुछ नहीं। आज हम घर बैठे बैठे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, घर बैठे बैठे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, गिनीज बुक में नाम आने वाला है, जो जो देख रहे हैं आप सबका भी नाम है। तसल्ली दे रहे हैं, बस कम ऊपर पहुँच गए हैं, पहुँच गए सबसे ठंडा मौसम और आज यहाँ एक भी पर्वतारोही नहीं है। चाहिए खुद पहली बार रहे हैं, उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं भाई पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, खुद ही बताया जा रहा है, तसल्लियाँ दे रहे हैं दिल को ना। लैंड करने की जगह नहीं होगी ना, पूरा होने जैसा है। मेरे ठीक सामने एवरेस्ट है, आप देखिए कितने करीब हैं हम एवरेस्ट से। थोड़ा मैं आपको चलकर बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। अच्छा, नहीं मुझे हो गया यकीन आ सकते। और ये एक जगह है जो ये एवरेस्ट का सबसे करीबी पॉइंट है, इस वक्त हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं और इस जगह को कहते हैं काला पत्थर। वो पीछे है और जैसे आप देख सकते हो ये एवरेस्ट के सामने है, ठीक आप सामने एवरेस्ट को देख रहे हैं। जी, हमारा हेलीकॉप्टर है पीछे देखिए, यहाँ पर आगे सबका साथ लेते होंगे, यहाँ हम हेलीकॉप्टर को लेकर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और मैं जैसे चलते चलते आपको दिखाता हूँ, आप आते जाएंगे
जब हम और थोड़ा सा वॉक करेंगे, इतनी बुलंदी में अगर आंधी तूफान चलता होगा ना तो हेलीकॉप्टर के लिए भी टेम करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, इसीलिए वो पीछे ही खड़ा कर देते हैं यार, बंद भी नहीं कर रहे थे। अब हम इतनी ऊंचाई पर हैं कि मुझे थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय हम 17,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जितनी सियाचिन की है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी उतना ही है जितना सियाचिन का होता है। अब एकदम हड्डियों में ठंडी हवा अंदर तक लग रही है, और इस समय यहाँ टेम्परेचर शायद -10 के आसपास होगा। हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारे आसपास नहीं है। मैं हूँ, मेरा कैमरा पर्सन है, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं संजीत और मैं, हम यहाँ पर अकेले हैं, और हमारे पायलट हैं, और पायलट हमारे बाहर नहीं आ सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर को उन्हें ऑन रखना है। हेलीकॉप्टर में बहुत ज्यादा फ्यूल अभी है नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारा फ्यूल नीचे उसको हटा दिया, क्योंकि इतना वजन लेकर हेलीकॉप्टर यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक आ नहीं सकता था। तो हेलीकॉप्टर का इंजन जो है वो ऑन रहेगा जब तक हम यहाँ रहेंगे, हेलीकॉप्टर बंद नहीं होगा। लेकिन ये भी बड़ा खर्च है ना? हमारे अलावा, संजीत के और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अब आप सोचिए, चारों तरफ पहाड़ हैं, सामने माउंट एवरेस्ट है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फीली चोटियां हैं, और शायद हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर इस समय जहाँ इंसान पहुंच सकता है, हम वहां पर खड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है, एक बहुत बड़ी एक ऐसी फीलिंग जिसको कि शायद आप यहाँ आने के बाद ही फील कर सकते हैं, कर पाएंगे। जब इतने ऊपर हाइट पर आप होते हैं तो शरीर में भी कई तरह के बदलाव आते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगता है। और मुझसे गलती ये हो गई कि मैं जो अपने ग्लव दस्ताने लाया था वो हेलीकॉप्टर में ही छूट गए, और अब हाथों से जो है, हाथों के जरिए ठंड अंदर तक जा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा एक बार हेलीकॉप्टर तक जा सकूं, हालांकि अभी इतनी सर्दी है कि यहाँ पर वहाँ तक जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम लग रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आज इस जगह से, इस जगह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। अच्छा। एक नेपाल के जरिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है, इसलिए इसके पीछे का जो पॉइंट है, इस पहाड़ के पीछे, वहाँ से आप चाइना के जरिए भी माउंट एवरेस्ट पर आ सकते हैं, और यहाँ के जरिए भी आ सकते हैं। आज मैं यहाँ आपको खड़े होकर ये बताना चाहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट का भारत के साथ क्या कनेक्शन है। ये मेन पॉइंट है ना। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। अच्छा। 1852 में, 1852, और सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट था उन्होंने उन्हें ये काम दिया था राधानाथ सिकदर को कि आप जाइए और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नाप कर आइए। और राधानाथ सिकदर ने इस ऊंचाई को नापा, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में, वो बंगाल के बहुत मशहूर गणितज्ञ हैं थे जिन्होंने इसकी ऊंचाई नापी। लेकिन क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ जो हैं उस समय जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इसको पूरे काम को कर रहे थे, उन्होंने इसका नाम माउंट एवरेस्ट पर रख दिया। एंड्रयू वॉ जो थे, जो कि जॉर्ज एवरेस्ट के सक्सेसर थे, उनके बाद सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के जो चीफ थे, उन्होंने माउंट एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम रखा। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम
राधा नाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। बिल्कुल, क्योंकि पहले अगर उन्होंने जांचा है नाम पर तो उनका नाम होना चाहिए था। चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि इस चोटी का नाम राधा नाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज प्रूफ भी मांगे, मैं यहाँ बिल्कुल प्रूफ भी होने चाहिए साहब को याद कर रहा हूँ आप सबके बिहाफ पर हर भारतीय की तरफ से कि राधानाथ सिकदर साहब ने इस ऊंचाई को, इस माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई को उन्होंने नापा पहली बार, इतना बड़ा काम किया उन्होंने और हमें ऐसा लगता है कि इस माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। माउंट सिकदर जाने का मन यहाँ से बिल्कुल नहीं कर रहा है, जाना पड़ेगा सर, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमारे लिए कोई न्यूज़, हाँ जल्दी करो, जी न्यूज की टीम यहाँ तक आ गई है और एक अजीब सी एक बड़ी खुशी भी हो रही है और जिसको आप कहते हैं कि एक जिसको फिलोसफिकल टर्म्स में आप ये कहते हैं कि आप ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से ऊपर उठ गए हैं, पूरी दुनिया से आप कट गए हैं और यहाँ आने के बाद एक अजीब एक शांति का अनुभव आपको हो रहा है। बड़ी खुशी है, इन्होंने स्टार्टिंग में भी ये सारी बात धरती, सारी दुनिया यहाँ से नीचे दिखाई दे रही है और अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा यहाँ पर ओम चैंट करने का मन कर रहा है कि यहाँ जोर से हम ओम बोलें और वो ओम शांति की जो जो ध्वनि है गूंजे पूरे इस घाटी में, वो गूंजेगी। बोल ले सर, बोल ले। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मैं बोलने लगे जितने रुकी है ना, पहुंच पाया मैं यहाँ तक इतना करीब से माउंट एवरेस्ट को देख रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसी जगह खड़ा रहूंगा जहाँ सामने मेरे माउंट एवरेस्ट रहेगी। देखिए ये है माउंट एवरेस्ट, जो पीछे काला पहाड़ आप देख रहे हैं, ये बहुत कितने करीब करीब से है यार, बहुत ज्यादा। इससे फर्स्ट टाइम देखा, क्या हो सकता है, उनका बस नहीं चल रहा है तो ऊपर चल रहा है। मेरे ख्याल से -10 से टेम्परेचर और नीचे ही होगा यहाँ पर। यंग बंदा भी होता ना तो चला भी जाता है, थोड़े एजेड है और हम लोग यहाँ पर हैं, जितना देर हो सकेगा उतनी देर हम कोशिश करेंगे। आसमान देखिए, बिल्कुल नीला आसमान है, बिल्कुल कलर भी वो और टाइप का था, हां नीला ही होता है, फुल नीला है यार, डार्क एकदम डार्क, फुल डार्क डार्क जैसे नाइट व्यू जैसे होते हैं ना, वो नजदीक है ना। इस समय हम कैमरे वाले की क्या 8848 फीट की जो मीटर की ऊंचाई है एवरेस्ट की और ये जो जनवरी का महीना होता है ये यहाँ सबसे ठंडा महीना होता है और जनवरी के महीने में यहाँ कोई नहीं आता, सबसे मुश्किल समय है क्योंकि इसीलिए ये जो बेस कैंप आप देख रहे हैं ना, देखिए ये बेस कैंप है, ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये बेस कैंप है। तो गर्मियों में जून में जुलाई में यहाँ पर लोग आते हैं बेस कैंप में और कैंपिंग करते होंगे, यहाँ थे मॉल वॉल होता है। अभी यहाँ बेस कैंप में कोई भी नहीं है, एक आदमी यहाँ पर नहीं है, नोबडी इज देयर, हर कोई जा नहीं सकता यहाँ, नहीं उस समय भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं, जी न्यूज के अलावा आज यहाँ कोई नहीं। सर यकीन आ गया हमें, कितनी दफा बोलोगे। जनवरी यहाँ सबसे मुश्किल समय माना जाता है आने का, जनवरी में इसलिए कोई आना भी नहीं चाहता। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि जनवरी में यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो है -26, तो अभी -10-15 के आसपास हो सकता है, रात होते होते शाम होते होते यहाँ -26 टेम्परेचर हो जाएगा, बंदा कुल्फी बन जाए यहाँ आइसक्रीम। अब मेरे भी हाथ जलने लगे हैं, तो मैंने भी काम किया कोल्ड स्टोर में, यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, दिमाग पर थोड़ा दिमाग काम करना थोड़ा सा कम कर देता है, इसलिए जो थॉट्स है विचार भी हैं वो भी बड़ी मुश्किल से आते हैं और दिमाग से जो आपका जो एक कॉन्टैक्ट जैसा है कहते हैं कि जो आपके विचार दिमाग प्रोसेस करता है जो आप बोलते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना चैलेंजिंग है और यहीं से फिर बेस कैंप से जो पर्वतारोही होते हैं
जो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करते हैं वो यहीं से निकलते हैं और फिर चढ़ाई करके ऊपर तक जाते हैं। टोपी भी नहीं पहनेंगे ना, आवाज होता चल रहा है, आवाज की तकलीफ से टोपी तो जाहिर सी बात है। अंकल को फीवर वीवर वो होगा, सही कह रहे हैं, बात इसी है। बात ठीक है कि पैंट जो है ना वो ब्लेंड होने लगी, जाहिर सी बात है, टोपी भी चाहिए। मेरे जीवन की सबसे स्पेशल सेल्फी, खुशी यहाँ पहुंची है, माउंट एवरेस्ट है और मैं माउंट एवरेस्ट के कितने करीब आए अल्लाह, आज यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं मेरे अलावा और माउंट एवरेस्ट। ये दसवीं बार बाद इन्होंने ये रिपीट किया है। इतनी ऊंचाई पर जब आप आते हैं और आप देखते हैं तो दुनिया को देखने का आपका एक नजरिया बदल जाता है और यहाँ से आपको दुनिया बहुत खास नजर आती है। लेकिन आपको ये भी पता चलता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, भगवान ने प्रकृति में कितनी खूबसूरत चीजें बनाई और यहाँ आवाज पता आवाज करता है कि यहाँ से जाए यहाँ बैठे मेडिटेशन करने के लिए, योग का जप करने के लिए, इससे बेहतर जगह हेलीकॉप्टर हमने उतार दिया है अपना और इसमें शांति वो मुझे नहीं लगता कि आपको दुनिया में और कहीं। मैंने कहा फिर कहने लगे भाई आके तो ये मेरे जीवन का तो भी है। सबसे स्पेशल साइन ऑफ होगा जहां से मैं कहना चाहता हूं कि सुधीर चौधरी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से या माउंट एवरेस्ट के ठीक सामने से जी न्यूज के लिए, आप सबके लिए और भारत के लिए। एक्साइटेड थे कि माइक बोली, माइक लेने बोलते थे। तो आपने माउंट एवरेस्ट की हमारी ये यादगार यात्रा देखी, ऐसी यात्रा जिसे जीवन भर कम से कम मैं तो भूल नहीं सकता और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस यात्रा से आपको माउंट एवरेस्ट का सही अर्थ और उसका महत्व जरूर समझ में आया होगा और अब आप भी माउंट एवरेस्ट को माउंट सिकदर का नाम देने की हमारी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे जो मुहिम आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये मांग हम उठा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर होना चाहिए। आप भी जब ऐसी किसी भी यात्रा पर गए होंगे या जाते होंगे तो आपने कुछ तस्वीरें अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर की होंगी। ये एक ऐसी जगह है जहां आपका जो जगह ऐसी अनुभूति आपको देगी कि आप शायद जीवन भर के लिए बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो विचार आपके मन में आते हैं और यहाँ खड़े खड़े ही जिस तरह की ज्ञान की अनुभूति, शांति की अनुभूति आपको होती है वो ऐसी है कि शायद मैं बयां भी नहीं कर सकता। तो कुछ तस्वीरें जो हमने वहाँ पर खींची वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसे आप समझ लीजिए कि ये माउंट एवरेस्ट की यादों की एक एल्बम है और यहां जब आप अकेले बैठकर विचार करेंगे तो आपको जीवन की आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके विचारों में जितनी भी उलझन हैं, वो सब के सब शायद दूर हो जाएंगी। कम से कम मेरा अनुभव वहां पर अकेले कर रहा है ना, खुशी यही है दादा। महापर्वत के सामने आप बैठते हैं, पहली जो भावना आती है वो ये है कि बहुत बड़ी उपलब्धि आपने की है। ये भावना भी आपको आती है कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि की है, हासिल की है और आप बहुत बड़े हैं। लेकिन अगले ही पल आपको ये भी भावना आती है आपके मन में कि आप कितने छोटे हैं, आप कितने तुच्छ हैं। और यहाँ बैठकर आपको ये समझ में आता है कि हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो क्यों हमेशा हिमालय पर आते थे तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब हम आपको जल्दी से माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आज बताना चाहते हैं। आप चाहें तो इन बातों को नोट भी कर सकते हैं, आपके आगे चलकर काम आएंगी। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा है। वहां के लोग इसे चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं और चोमो लुंगमा कहकर ही पुकारते हैं। नेपाल के लोग इसे अपनी भाषा में अपने नाम से पुकारते हैं और नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं।
लेकिन पूरी दुनिया में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि इसके नामकरण से पहले इस चोटी को पीक 15 कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को वैसे तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। पर्वतों की ऊंचाई का आकलन समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, लेकिन अगर किसी पर्वत के आधार से उसके शिखर तक की ऊंचाई मापी जाए तो माउंट एवरेस्ट फिर उस मापदंड पर सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। बेस यानी आधार से चोटी तक की ऊंचाई के नजरिए से अमेरिका के हवाई का माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउना किया की ऊंचाई 10,210 मीटर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यानी 100 वर्षों में इसकी ऊंचाई 16 इंच तक बढ़ जाती है। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू हो जाता है, जबकि क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यहां पर होती हैं। हालांकि तकनीक के विकास की वजह से एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में अब हर साल लगातार कमी आ रही है, क्योंकि अब बेहतर साधन आ गए हैं। पहले के जमाने की तरह इतनी मुश्किलें नहीं रही हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से अब माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो कुछ हद तक आसान हो गई है। सबसे खास बात हम आपको जो बताना चाहते हैं आज वो ये है कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट खुद कभी भी पीक 15 यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक कभी नहीं आए। बिना इस यहां तक पहुंचे उनके नाम पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम रख दिया गया। और जो व्यक्ति यहां पर आए जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके इस बहुत बड़ा चोटी की ऊंचाई को नापा और पूरी दुनिया को बताया, राधानाथ सिकदर, उनसे ये श्रेय छीन लिया गया। इसलिए उनका ये छीना हुआ श्रेय वापस दिलाने के लिए हम वहां तक गए हैं ताकि हम एक मुहिम चला सकें। आप सब से हम ये कह सकें कि आप सब इस मुहिम में शामिल होइए और आप भी अपने अपने जरिए से, आज आपको किसी धरने पर या किसी विरोध प्रदर्शन में या किसी आंदोलन में बैठने की जरूरत नहीं है। आप सबके पास सोशल मीडिया है, अपने स्मार्टफोन है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है। आप अपने अपने हिसाब से जैसा आप ठीक समझें, आपको एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए इस देश में और पूरी दुनिया में, जिसमें आपको ये मांग करनी चाहिए कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर अब होना चाहिए और भारत को भी अपना दावा इस माउंट एवरेस्ट के लिए पूरी दुनिया के सामने अब ठोक देना चाहिए। ये आज हमारा कहना है। सिद्धू वाली बात की है। ये कैसी यात्रा थी जिसमें हमें बीच में 2 बार रुकना पड़ा। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने 2 बार लैंडिंग की है और ये दोनों बार लैंडिंग हमने इसलिए की थी क्योंकि हर बार जब हम और ऊंचाई पर जाते थे तो हेलीकॉप्टर में वजन ज्यादा होता था और हर बार हम थोड़ा सा फ्यूल और वहां पर डंप कर देते थे, फिर हेलीकॉप्टर को हल्का करते थे और फिर उसके बाद आगे की ऊंचाई पर हम जाते थे। फिर और ऊंचाई पर जाकर हमने एक बार और हेलीकॉप्टर को लैंड कराया बीच में एक जगह पर, वहां पर हमने थोड़ा सा फ्यूल और छोड़ दिया क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर का जो वेट रेशियो था उसे हमें बरकरार रखना था। और फिर हम इस -10 से 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वहां पर पहुंचे और फिर जो भी रिपोर्ट हमने वहां पर की वो हमने आज आपके सामने पेश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको माउंट एवरेस्ट से जी न्यूज की ये रिपोर्टिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी वीडियो और यार इस वीडियो में फर्स्ट टाइम हम भी जो है ना माउंट एवरेस्ट की सैर की हमने करीब के और इतनी तफसीला वीडियो देखी। इससे पहले हम लोग शॉर्टली मूवीज में वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते थे या शॉर्टली ऐसे टीवी में सामने कुछ आ जाए तो आ जाए, लेकिन ये वीडियो में इंटरेस्टिंग लगी। फेज टाइमिंग लंबी थी लेकिन हमने कहा देखेंगे, फुल ना देखो तो यार नहीं पता। इसमें मतलब ये पता चला है कि कहां कहां ये स्टे करते हैं और किस तरह से हेलीकॉप्टर जो ना तोड़ ऊपर चोटी तक ले जाया जाता है, मतलब फ्यूल डाउन करना पड़ता है टॉप पर कैसे जाता है टॉप पर, क्योंकि हेलीकॉप्टर वजन ज्यादा है ऊपर नहीं ले जाता। अच्छा बाकी बात तो बाद में करते हैं, अंकल को खुशी कितनी थी वहां यार, वो कम से कम 10 बार से ज्यादा बोला होगा, कम भी बोला होगा यार मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा हूँ, तन्हा हूँ मैं यार, यहाँ तन्हा हूँ, ना हम किसी के ना हमारा यहाँ बिल्कुल वीरानी है इतनी ऊंची जगह पे और अकेले थे, मजे की बात अकेले मैं अकेला। अच्छा कैमरा मैन को भी कितनी बार इग्नोर कर दिया, मैं अकेला कैमरा मैन को आंखें निकाली होंगी।
क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के साथ टच है, देखिए जिस तरह बता रहे हैं नेपाल के साथ टच है और एक और सिटी है चाइना, चाइना अपना कह दिए, मतलब वहां से टच है, वहां से चाइना वाले आ सकते हैं, इंडिया वाले दूसरी साइड से आ सकते हैं और नेपाल से मतलब करीब से जा सकते हैं। ये नेपाल इस वजह से शायद कहता होगा कि यार ये मतलब जो उन्होंने अपना नाम बताया बिल्कुल, वो कहते होंगे ये हमारे नाम से हमारे लोगों ने पे किया होगा, इंडिया ये दावा कर रहा है, शायद यही कुछ छोटा मोटा रीजन होगा। लेकिन ये तफसीलन तब पता चलेगा जब कोई नेपाल का बंदा हमें नीचे कमेंट्स में जवाब देगा या फिर कोई नेपाल की न्यूज निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। लेकिन प्रूफ अगर इतने बड़ा इंडिया ने दावा किया तो इनके पास बहुत बड़ा दावा है, एक दुनिया की सबसे बड़ी चोटी उसको हासिल करना, अपना नाम देना बहुत बड़ी दावे की बड़ा दावा है। अच्छा मजे की बात है, वो इन्होंने न्यूज में ये सब बातें तो की है, मतलब कहीं इन्होंने कोई प्रूफ नहीं पेश किया कि यार मतलब हमारे जो जिनका ये नाम दे रहे सिंधर राधानाथ सिंह, राधानाथ सिंधर जो चोटी पर गए हैं, इनको इस न्यूज में मतलब प्रूफ भी देने चाहिए, बिल्कुल यार प्रूफ देने देखा जाए तो, क्योंकि ये कुछ बाकी अगर ऐसी बात है प्रूफ शायद इनके पास, अगर ऐसी बात है अगर फर्स्ट टाइम वो इंडियन वहां गए थे उन्होंने जान सा बांध दिया तो उस लिहाज से फिर इनके नाम इनका नाम बनता है। हकीकत क्या है ये तो पता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कोई नेपाल का है इंडियन का। चले यार ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही जबरदस्त और काफी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको पसंद आई कि नहीं, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें, खुश रहा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जहां रहे खुश रहे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।